बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर अंडरस्टैंड कम्युनिकेटिंग इंग्लिश टीचर बाबर हुसैन। टुडे आवर टॉपिक इज ग्रामर लेसन वन। पिछले दो लेक्चर में हमने कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा था। आज इस तीसरे लेक्चर में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट्स। वो गिरोह जिसे एक इकाई के तौर पर तसव्वुर किया जाए, इसमें मजमूई के नाम से या इसमें इज्तमा के नाम से तसव्वुर किया जाता है, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली, फ्लीट, फ्लीट कहते हैं बैरी बेड़े को, फ्लॉक कहते हैं झुंड को, तो ये कलेक्टिव नाउन में रिगार्डेड किए जाते हैं, समझे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, सामने लिखी हुई है। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ये दोनों कलेक्टिव नाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले इसको फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम दोज गिवंस। ये ऊपर दिए हुए हैं नाउन्स, क्राउड, क्लास, ऑडियंस, शॉल, क्रू, गैंग, पब्लिक, हॉर्ड, कमेटी, पाइल। इनको आपने सेंटेंसेस में पुट करना है उनके मुताबिक सूटेबल तरीके से। नंबर ए सेंटेंस, द डैश ऑफ द नेशनल एयरलाइन लुक स्मार्ट इन देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। इसमें पहले में आएगा क्रू। क्रू कहते हैं अमला, कहीं जगह काम करने वाला एक ग्रोह, क्रू अमला, तो पहले में आएगा क्रू। दूसरा सेंटेंस, बी सेंटेंस, द डैश अप्लॉडेड हर्टली एट द एंड ऑफ द शो। ऑडियंस, नाजरीन, देखने वाले। ऑडियंस नंबर टू में, नंबर थ्री, द डैश मेक्स मैनी डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग। नंबर थ्री पर इसमें है कमेटी, कमेटी एक मेंबर्स का एक ग्रुप। नंबर फोर, डी, द डैश आर नॉट अलाउड इनटू द पैलेस। नंबर फोर, पब्लिक, अवाम। नंबर फाइव, ई, दिस ऑफ प्लैंक्स needs to be cleared away by noon। नंबर फाइव में यहाँ पर पाइल, पाइल कहते हैं गट्ठा, ढेर। नंबर सिक्स, एफ, वी सॉ अ डैश ऑफ ट्राउट स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, शॉल, शॉल का मतलब ग्रो, झुंड, शॉल। नंबर नेक्स्ट, जी, द डैश हैज़ जस्ट अ हैड अ जियोग्राफी लेसन क्लास। नंबर सेवन पर है क्लास, नंबर सिक्स पर था शॉल। नंबर नेक्स्ट, आई, एच, अ डैश ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हर्ड, रेवड़। नंबर आई, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड राउंड द अनकॉन्शियस वूमेन, अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश को। नंबर नाइन पर क्राउड, हजूम। और नंबर लास्ट है, द डैश ऑफ थीव्स वाज राउंडेड अप बाय द पुलिस, राउंडेड अप घेरा डाल लेना, गैंग। दोबारा फिर सुन लें इनके आंसर। नंबर वन पर है क्रू, नंबर टू पर ऑडियंस, नंबर थ्री पर कमेटी, नंबर फोर पर पब्लिक, नंबर फाइव पर पाइल, नंबर सिक्स पर शॉल, नंबर सेवन पर क्लॉस, नंबर एट पर हर्ड, नंबर नाइन पर क्राउड और नंबर टेन पर गैंग। इसी का पांचवा क्वेश्चन, जिसे हम लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसमें भी आपने मैच करना है, मैच द एक्सप्लेनेशन विद द फर्स्ट कॉलम विद द नाउन्स इन द सेकंड कॉलम। पहले लिखा हुआ है ट्रंक्स एंड सूट केसेस टेकन ऑन अ जर्नी। लगेज, लगेज कहते हैं सामान को, इसको लगेज से मिलाएंगे। नंबर नेक्स्ट, नाइव्स, फॉक्स एंड स्पून्स, नाइफ, फॉक्स एंड स्पून्स कटलरी छुरी कांटों में शुमार किए जाते हैं। नंबर सी पर टेबल, चेयर्स, बेड्स एंड कबर्ड्स। टेबल, चेयर्स, बेड एंड कबर्ड्स को हम फर्नीचर में काउंट करते हैं, सी का आंसर है फर्नीचर। नंबर डी, अर्थनवेयर कप्स मट्टी के बर्तन, प्लेट्स, पॉट्स एंड डिशेस, इसको हम क्रॉकरी में
काउंट करते हैं, क्रॉकरी बर्तन। नंबर ई कुशन एंड चेयर कवर्स, कुशन तकिए और कुर्सियों के कवर। नंबर ई, इसका आंसर है अप होलेस्ट्री, हौजरी, अप हौजरी। इसके बाद स्टॉकिंग एंड स्टॉक्स, एफ पर स्टॉकिंग एंड स्टॉक्स, तो ये है हौजरी। और जी पर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल जो हैं वो स्टेशनरी में काउंट होते हैं। नंबर एच पर पीपल इन अ रॉयट रियोट, पीपल इन अ रियोट, नंबर एच मोब। नंबर आई पीपल एम्प्लॉयड एट अ प्लेस, पीपल एम्प्लॉयड एट अ प्लेस, इसे कहते हैं स्टाफ। और लास्ट पर पीपल एट वर्शिप कॉन्ग्रीगेशन, इसके आंसर एक दो फिर सुन लें। ए पर लगेज, बी पर कटलरी, सी पर फर्नीचर, डी पर क्रॉकरी, ई पर अपहोलेस्ट्री और एफ पर होजरी, जी पर स्टेशनरी, एच पर मोब, आई पर स्टॉफ और जे पर कॉन्ग्रीगेशंस। ये इसके दोनों क्वेश्चन थे, मैंने आपको इस पर समझा भी दिए हैं और आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है और समझना है। अगर कोई मसला है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।